परफ्यूमरी यानी कि फ्रेग्रेंस की दुनिया में जाते हैं, जिसमें हम परफ्यूमरी और अत्तर होममेड कैसे बनता है वो बताती हूँ। परफ्यूम की दुनिया की एक छोटी सी जानकारी आपको देती हूँ कि परफ्यूमस लेटिन वर्ड है और इज नोन एज थ्रू स्मोक। आगे चल के इसे परफ्यूम के नाम से जाना गया और फ्रांस में इसे यूडी टॉयलेट के नाम से आज भी जाना जाता है। और लैटिन में 2000 साल पहले एक कापुटी नाम की लेडी केमिस्ट थी, जिसने फ्रेश फ्लावर और रूट्स को डिस्टिलेशन किया और उसको फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के साथ उसका अर्थ निकाला और उसको उसने परफ्यूम की तरह इस्तेमाल किया। आगे चल के इसे रोमन, मुगल्स, अरब लोग ने अपनाया और उसमें सुधार आते गया और आज हमें हजारों किस्म के परफ्यूमरी कॉन्सेंट्रेट बाजार में मिलने लगे हैं। हमारे इंडिया में आज SH केलकर, एरोकेम जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो भी आज परफ्यूमरी कॉन्सेंट्रेट बनाते हैं। बहुत सी परफ्यूमरी वुड में से बनती है, जैसे कि सैंडलवुड, सेडारवुड, पैचोली, पाइन वुड। कोई कोई परफ्यूमरी हर्ब्स में से बनती है, जैसे कि रोजमेरी। कोई फ्रूटी फैमिली से है, जैसे कि पीच, एप्पल। कोई कोई हेस्पिराइड फैमिली में से है, जैसे कि साइट्रस फैमिली, ऑरेंज। कोई बर्गामोट में से होता है, जो लेमन जैसा फ्रूट है उसी में से बनता है। कोई मोज में से बनता है, ओक ट्री में से, जैसे कि ओक मोज इन वन टाइप ऑफ फंगल। ओक मोज उसमें से फंगल निकाल के उसी में से बनता है। और मोज इज ए रियली टोटली न्यू परफ्यूम। मोज इज न्यू फ्रेग्रेंस जो ओक ट्री में से बनता है। ओक मोज में से फंगल इन्फेक्ट लेके उसी में से वो मोज करके परफ्यूमरी बनता है। फिर मस्क में से बनता है, जो डियर में से मिलता है। ऐसे बहुत टाइप की परफ्यूमरी अलग अलग फ्रूट्स, वुड, रूट्स और फ्लावर में से बनती है। परफ्यूमरी कॉन्सेंट्रेट मार्केट में बहुत टाइप के आते हैं, जैसे कि एरिस्टोक्रेट, अंबर, ईवॉक गोल्ड, अंबर वुड, अंबर पॉइस, ईवॉक सिल्वर, ईवॉक अंबर, अंबर ब्लू, सेनल ब्लू, ब्लैक वुड, वाइट वुड, फिर अफगान। वैसे बहुत सारे परफ्यूमरी कॉन्सेंट्रेट मार्केट में मिलता है और इसी में से हम परफ्यूमरी बना सकते हैं। परफ्यूम बनाने के लिए हमें चाहिए बीकर, जो छोटी मोटी साइज में आता है। 10 ml का बीकर आता है, 25 ml का आता है, 30 ml का आता है, 100 ml का आता है। ऐसे अलग अलग टाइप का बीकर्स आता है, तो ये हमें 125 ml का है। ऐसे ड्रॉपर्स आती है जो इसी के ऊपर भी 1 ml, 2 ml, 5 ml, 3 ml लिखा हुआ आता है, वो ले लो तो भी आपको परफ्यूमरी बनाने में बहुत इजी हो जाएगा। इसी के लिए हमें बॉटल्स लगेगी, जो आप होममेड बनाते हो तो उसी के लिए आपको ऐसी बॉटल लगेगी। तो ये 10 ml की बॉटल है जो आप खोल के अंदर परफ्यूम फील कर सकते हो। फिर 5 ml की बॉटल आती है, तो उसी के अंदर भी आप परफ्यूम फील कर सकते हो। फिर 50 ml की बोतल आती है। आपको कितना परफ्यूम बनाना है, कितना वो करना है, वो हिसाब से आपको किसको गिफ्ट करना है, वो हिसाब से आप अलग अलग 50 ml का बोतल है, तो आप अलग अलग टाइप का बोतल लाके परफ्यूम फील कर सकते हो। परफ्यूम बनाने के लिए हमें चाहिए सॉल्वेंट सॉल्यूशन, जो एक वन टाइप ऑफ अल्कोहल का ही मिश्रण है। फिर एक चाहिए अपने को पीसी, आपको जो पीसी पसंद है, जो परफ्यूमरी पसंद है उसका परफ्यूमरी कॉन्सेंट्रेट लाना है। मेरे को ड्रेकर पसंद है तो मैं ड्रेकर लाई हूँ। आपको जो पसंद है उस कंपनी का, आप वो नाम का आप पीसी लेके आ सकते हो। इसको परफ्यूमरी का स्मेल लॉन्ग टाइम तक रखने के लिए हमें एक प्रिजर्वेटिव चाहिए, तो इसके लिए हमें चाहिए फिक्सोलाइट या तो फिक्साटिव, दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो ये पाउडर भी अंदर डालना जरूरी है, तो आपका कपड़े के ऊपर भी लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस रहेगी। और अभी इसी के लिए हमें क्या करना है कि पहले हमें सबसे छोटा आइटम क्या लेना है, परफ्यूमरी पीसी लेना है। तो हमें इसी में अगर 100 ml बनाना है तो 100 ml में हमें कितना स्ट्रोंग बनाना है, एकदम स्ट्रोंग बनाना है, तो पीसी आप 15 ml ले लो और 85 ml आप SS यानी सॉल्वेंट सॉल्यूशन ले लो। और अगर आपको परफ्यूमरी माइल्ड बनाना है तो 10 ml पीसी ले लो
और 90 ml आप SS ले लो। फिर अगर आपको परफ्यूमरी एकदम माइल्ड बनाना है, लाइटली स्मेल आपको पसंद है, तो आप 5 ml PC ले लो, और इसी के साथ 95 ml आप सॉल्वेंट सॉल्यूशन ले लो। तो ऐसे हिसाब से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। परफ्यूमरी दूसरा कुछ नहीं, अगर बाहर अपने मगज में फंसा दिया कि जैसे हम शरबत बनाते हैं तो शरबत में हम लोग उसका सिरप जो है वो थोड़ा सा हार्डली 10 ml जितना लेते हैं, और हम लोग 90 ml या तो अंदर सोडा डालते हैं या तो पानी डालते हैं और उसको डाइल्यूट करते हैं, वैसे पीसी के अंदर हमें SS डाल के उसको डाइल्यूट करना है, और उसको लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए हमें उसके अंदर फिक्सोटिव डालना है। तो अभी मैं थोड़ा सा ही 30 ml जितना ही बना रही हूँ, तो हमें एकदम कम क्वांटिटी लेना चाहिए। तो अभी मैं परफ्यूमरी कॉन्सेंट्रेट जो है वो ड्रेकर बना रही हूँ, तो मैं ओनली 3 ml ले रही हूँ, मीडियम बना रही हूँ, तो मैं एग्जैक्ट 3 ml जितना परफ्यूमरी कॉन्सेंट्रेट ले रही हूँ। मैं डायरेक्ट बोतल के अंदर ही डाल रही हूँ, या तो आप बिकर में लेके भी डाल सकते हो। अभी हमें इसी के साथ SS यानी सॉल्वेंट सॉल्यूशन लेना है, तो ये मेरे को 30 ml बनाना है, तो अभी मैं उसी के साथ 27 ml ऑफ SS लेगी। SS 30 ml लिया है, और उसी के अंदर में फिक्सोटिव थोड़ा हार्डली पिंच ऑफ डाल रही हूँ, ऐसे क्रिस्टल में आता है। तो उसी को थोड़ा सा आप पीस दो, और पीस के या पत्थर डालो। और लाइटली क्रिस्टल है तो उसी को पिघल दो, मिक्स करो। सभी कंपनी वाले बनाते हैं तो ये दो चीज को मिक्स करके मिनिमम 6 से 8 घंटा रखते हैं, ताकि अभी हम होममेड बना रहे हैं तो हम डायरेक्ट मिक्स कर सकते हैं, लेकिन परफ्यूम यूज करने का आपको 5 से 6 घंटे के बाद करना है। तो मैं अभी मिक्स कर देती हूँ। ये जो क्रिस्टल है वो हार्डली 10 to 20 मिनट में पिघल जाता है, लेकिन उसको आप 6 से 8 घंटे के बाद ही परफ्यूम को यूज करो तो आपको ज्यादा फायदा है। और अभी हम इसको बराबर बंद करके कवर को मिक्स कर देंगे, और हम ऐसे परफ्यूम को यूज कर सकते हैं। अभी हम अत्तर बनाएंगे। अत्तर ये अपना वर्ड है, जो कि पर्शियन वर्ड इज इत्तर, ITTR इत्तर में से हम लोग ने ATTR अत्तर बना दिया है, और एक्चुअली एसेंशियल ऑयल है, बोटनिकल सोर्स में से हाइड्रो प्लस स्टीम की सिस्टम से ये बनाया जाता है। पर्शिया में एक फिजिशियन ने सबसे पहले फ्लावर का डिस्टिलेशन किया, और उसका निष्कंदन करके उसने जो उसकी स्टीम आती है उसको उसने लिक्विड फॉर्म में जमा किया, और उसी में से उसने अत्तर का शोधन किया। और अत्तर फ्लावर्स हर्ब्स स्पाइसेस में से बनाया जाता है। ये सब बनाने में इजिप्शियन लोग का बहुत ही बड़ा हाथ है, जो सबसे पहले वो लोग ने ये सब ट्राई किया, और उसी के बाद आगे आगे सब लोग ने स्टार्ट किया है। आज पर्शिया ईरान के नाम से जाना जाता है, और ये जो फ्लावर्स हर्ब स्पाइसेस में से बनाते हैं, इसी में से बहुत सी जानी मानी फ्रेग्रेंस है, जैसे कि रोज, मोगरा, 19 लंदन, लवेंडर, जन्नत अल फिरदौस, मस्क रोज, अंबर रोज, रेड मस्क, वाइट मस्क, सलमा, तोफा, एस्केडा, वैसे बहुत टाइप का परफ्यूमरी अत्तर हम बना सकते हैं। ऐसे रोल ऑन बोतल आती है, वो बोतल में हम होममेड स्टोर कर सकते हैं, या तो किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं, टेंपल में यूज कर सकते हैं। तो इसी के लिए हमें चाहिए सैंडल एजी, और इसके साथ चाहिए हमें मोगरा। कोई भी आपको फ्रेग्रेंस पसंद है उसी का हमको पीसी लेना है,
और इसी को लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए चाहिए हमें मस्क पाउडर। तो अभी मैं एक छोटी सी बोतल में बना रही हूँ, तो हार्डली हम इसके अंदर 5 ml ही ले सकते हैं। तो मैं 1.5 यानी 3 ml का बना रही हूँ। अभी मैं मोगरा का पीसी 1.5 ml ले रही हूँ, उसको बोतल में डाल दो। उसी के साथ आप 1.5 ml सेम क्वांटिटी में सैंडल एजी डालो। और उसी के साथ हमें पिंच ऑफ मस्क पाउडर डालना है। और रोल ऑन से उसको बंद कर दो। मिनिमम 3 से 4 घंटा रखने के बाद आपको ये पत्थर को यूज करना है। आप ऐसे रोल ऑन करके यूज कर सकते हो, आप कॉटन में लगा के यूज कर सकते हो। मार्केट में बहुत किस्म से अलग अलग टाइप के बॉक्सेस मिलते हैं, आप खुद भी बॉक्स बना सकते हो। और हमने ये परफ्यूम को ऐसी बैग में डाल के हमें उसको पैक करके किसी को गिफ्ट देने के लिए बॉक्सेस के अंदर हम पैक करेंगे। इसे बॉक्स के अंदर हम डाल के किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। ऐसे हम पैकिंग करके पूरा बॉक्स पैकिंग करके किसी को परफ्यूम भी दे सकते हैं। अत्तर के लिए भी हम कोई छोटे छोटे बॉक्स में डाल के किसी को दे सकते हैं। ऐसे 3-4 अलग अलग फ्रेग्रेंस का पर अत्तर बना के हम बैग में पैक करके किसी को हम गिफ्ट के तौर से किसी को प्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे टाइप के हम डिफरेंट डिफरेंट पैकिंग करके किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। ऐसे टाइप के भी बॉटल्स अलग अलग आती है मार्केट में।